नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे पाठ पांच का अभ्यास कार्य की दोहराई। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले है शब्दार्थ। आश्रम, आश्रम क्या होता है बेटा? जंगल में जहां ऋषि मुनि शिक्षा देते थे उसे आश्रम कहा जाता है, जहां पर ऋषि मुनि शिक्षा देते हैं। झरना, पहाड़ों से बर्फ का पिघल कर नीचे पानी के रूप में गिरना। जब पहाड़ों पर बर्फ होती है वो जब पिघल जाती है और फिर नीचे पानी के रूप में जो गिरती है उसे हम झरना कहते हैं। चहचहाना, चिड़ियों की आवाजें। नटखट, शरारती। ठीक है बेटा, मुनि जी अपने शिष्यों के साथ कहाँ रहते थे? आश्रम में। बच्चे आश्रम में किसकी दौड़ देखते थे? हिरन व खरगोश की। बच्चे हरियल को क्या खिलाते थे? हरी मिर्च। हरियल के पंख कैसे थे? चिकने। हरियल की चोंच कैसी थी? मुड़ी हुई। ठीक है बेटा, फिर है अगला प्रश्न हमारा, मिलान कीजिए। शिकारी, जाल। दाना, लालच। पंख, फड़फड़ाना। चिड़िया, चहचहाना। मुनि कहाँ रहते थे? आश्रम में। ठीक है बेटा, फिर है सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। आश्रम में कौन रहते थे? छोटे बच्चे, छोटे बंदर या बड़े भालू? छोटे बच्चे। आश्रम में जो तोता था उसका क्या नाम था? हरियल। क्या नाम था बेटा? हरियल। आश्रम में शिक्षा कौन देते थे? मास्टर जी देते थे, मुनि जी देते थे या गुरु जी? मुनि जी। आश्रम में शिक्षा कौन देता था? मुनि जी देते थे। हरियल उड़कर किस वृक्ष पर बैठ गया? बरगद के वृक्ष पर। बेटा वो रहता तो पीपल के पेड़ पर, लेकिन उड़कर किस वृक्ष पर बैठ गया था? वो बरगद। जाल सहित सभी तोते कहाँ पहुंच गए? आश्रम में। कहाँ पहुंच गए थे सभी तोते? आश्रम में। ठीक है, फिर सही या गलत पर निशान लगाएं। हरियल, सही या गलत का निशान लगाइए। हरियल ने कहा, हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं है। ठीक। एक दिन सारे तोते तारों में फंस गए। गलत। जाल में फंस गए थे वो। ठीक है, हरियल पाठ पढ़ने के लिए मुनि जी के पास गया। ठीक। मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरियल तुम नटखट हो। ठीक। मुनि जी अपने ज्ञान को सुरक्षित अपने पास रखना चाहते थे। गलत, क्योंकि वो तो सबको शिक्षा देते थे, इसलिए क्या आएगा बेटा? ये गलत। तो सभी ने अभ्यास कार्य अच्छे से याद करना है। ठीक है।